सूचना जिला बनाने की भरपूर मांग। जब ब्रिटिश साम्राज्य था, आप में से न जाने मुझे नहीं पता कितनी महिलाओं को पता होगा और कितनी महिलाओं को पता नहीं होगा, जब हम ब्रिटिश साम्राज्य के कार्यकाल में चल रहे थे, तो 1946 में हम जिला थे। हम खरबूजा कोर्ट हुए, पहले हम सुजानगढ़ हुए, फिर हम खरबूजा कोर्ट हुए और आज इस युग में हम वापस सुजानगढ़ पर पहुंच गए हैं। 1946 का वो दौर जब ब्रिटिश का बोलबाला था, जब हमारे शौर्य की, हमारे सपूतों की गाथाएं उस समय उजागर थी, तो न जाने अब ऐसी क्या कमी पड़ गई जो हमें सूचना को जिला बनाने की मांग को लेकर इस तरह यहाँ पर आना पड़ रहा है। मैं हमारे सीएम साहब से पूछना चाहती हूँ कि हमारा सूचना किस क्षेत्र में कम पड़ गया। हर 14-14 किलोमीटर पर हम एक से एक नमूने दृश्य के साथ बैठे हैं। अगर हम भोपाल जिले की बात करें तो 12 किलोमीटर दूर वीर हनुमान का मंदिर, जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी गोद में ले रखा है, वो पहाड़ी जिस पहाड़ी पर कुछ ही दिन पहले आक्रमण होने की घोषणाएं थी और वहाँ की सरपंच ने रात दिन एक करके उस पहाड़ी को बचा लिया। उससे थोड़ा नीचे उतरेंगे 2 किलोमीटर पर तो आचार्य द्रोण की भूमि, वो आचार्यों की भूमि जहाँ पर आचार्य श्री चंद्रमुनि जैसे, आचार्य श्री धर्ममुनि जैसे लोगों का, संतों का, विरले संतों का अरहम आश्रम बना हुआ है। उससे 2 किलोमीटर और नीचे चलेंगे तो वो भव्य गोपालपुरा, जिसका हमने कल भी गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम रिकॉर्ड करवाया है। अगर हम इस तरफ की बात करेंगे तो हम सारा सा चाहेंगे दास हनुमान, जिस पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, अपितु करोड़ों करोड़ों की तादाद में मानव जाति एवं न जाने क्या कौन कौन वहाँ पर अपने मत्था टेकने को नहीं पहुँचता है। अगर हम इस तरफ की बात करें, हम हमारे ही सुजानगढ़ की बात करें, तो शनि मंदिर जो पूरा का पूरा सोने से बना हुआ है, एक जमाना था जब डाकुओं ने वहाँ पर डाका डाला और जब वो डाका डालने के लिए अंदर गए तो सबके सब अंधे हो गए। उन्होंने इस बुद्धि के साथ वो अंदर प्रवेश करने जा रहे थे कि भगवान आदिनाथ की अंगी जो है वो सोने की बनी हुई है और आज हम इसके भीतर जाएंगे और उसको लूट कर ले जाएंगे। लेकिन देखिए प्रकृति का खेल, भगवान के आगे सब फेल है। जब उन्होंने अपने घोड़े की कील को कमान पर संभाला, ऊपर से सीधा नीचे गिरे और उनको ये पता नहीं चला कि वो मंदिर परिसर से बाहर पहुंच गए हैं। अगर हम इधर की बात करें तो वो वेंकटेश्वर मंदिर जो एशिया का थर्ड लार्जेस्ट मंदिर में से एक आता है, जो इंसान सारासर बालाजी के मंदिर में पहुंचता है वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर करने जाता है। ये तो रही हमारे सुशांतगंज जसवंतगढ़ क्षेत्र की बात, अपने आप ही हूँ ना पर, जिसका अर्थ है लाजनू। लाजनू में एक ऐसा यूनिवर्सिटी, एक ऐसी अद्भुत संस्थान जो अतुलनीय है अपने आप में, जिसने योगा के क्षेत्र में एवं जैनिज्म के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और न जाने कहां कहां तक को शिक्षाएं प्रदान कर रही है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी संपूर्ण संसार में चर्चे चल रहे हैं, क्या कमी रह गई? मैं माननीय सीएम साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपको सुजला में क्या कमी नजर आई जो आज हम जीना नहीं है? ये जो मांग है याद से नहीं चल रही है, सन 2003 से चल रही है। जिस समय 2007 में भैरव सिंह जी शेखावत मंत्री हुआ करते थे, उस समय हमारे यहाँ के MLA साहब थे श्रीमान रामेश्वर लाल जी भाटी, भरी संसद में स्टेडियम में उन्होंने कहा था कि बताओ आज तुम्हें क्या चाहिए, मैं सुजानगढ़ से बहुत खुशी हूँ, बहुत प्रमोदित हूँ। तो रामेश्वर लाल जी भाटी ने कहा था हमें तो इसको जिला बनाना है। वो वही पर वो कहकर गए थे कि आपका सुजला जिला बनेगा और इसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके ठीक 2 साल बाद माननीय वसुंधरा जी राजे भाटी इसी उसी स्टेडियम पर आती है और कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर मांग को पूरा करूंगी। और उस वक्त हमारे खेमाराम जी मेघवाल पूर्व मंत्री, मैं MLA हुआ करते थे, उन्होंने भी यही मांग रखी थी कि हमें सुजला जिला चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा क्या है हमने जो आप हमें दे नहीं सकते? आप हमसे कतराते हैं या आप हमारा सामना नहीं कर सकते? आज जयपुर बीकानेर अनेकों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को हम देखते आए हैं, अरे वो तो कुछ भी नहीं। हम शिक्षा के क्षेत्र में, हम मेडिकल के क्षेत्र में, हम इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में नंबर 1 पर अपना झंडा गाड़ रहे हैं। वो शिखर जहाँ पर अनेकों तरह की हरकतें, जहाँ पर एनकाउंटर हो गए, आज आके देखिए हम सच में अपने फतेह का झंडा लहरा रहे हैं। मैं
कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2018, 19 और 20